डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, मैं मेडिकल कॉलेज में सर्जन हूँ और आज मैं आपके लिए बेसिकली मैं कॉमन मैन के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक जो है रीनल स्टोन और गुर्दे की पथरी। पिछली बार मैंने कॉमन मैन के लिए टॉपिक लेकर आया था जो था पित्त की थैली की पथरी। आजकल एक गुर्दे की पथरी के बारे में मैं लेकर के आया हूँ आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये आज गुर्दे की पथरी होना ये बहुत ही कॉमन सी ये चीज़ हो गई है और ये आने वाले समय में लगभग 20-30% भारतीय गुर्दे की पथरी के होने की संभावना जिसमें ये रहेगी उनको गुर्दे की पथरी हो सकती है। गुर्दे की पथरी क्यों होती है, इसका क्या इलाज है, इसका क्या बचाव हो सकता है, ये जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि गुर्दे की बनावट कैसी रहती है। हमारे शरीर में जो ब्लड को जो फिल्टर करने का काम होता है वो गुर्दों का होता है। तो ये दो होते हैं गुर्दे, ये हमारे अगर हम पीछे देखें पीठ के बीच में दो गुर्दे होते हैं, ये बीन शेप के होते हैं। तो दो गुर्दे इस तरह होते हैं। गुर्दों से दो नलियां निकलती है जिसे हम मूत्र वाहिनी कहते हैं, जिसे यूरेटर कहते हैं, या ये मूत्राशय होता है, ये होता है ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, और मूत्र मार्ग होता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो पूरा जो हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो इस भाग में होता है। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मिलियंस की संख्या में नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स का काम होता है कि जो भी गंदा खून आता है किडनी में तो किडनी को साफ करता है। उस खून में से जो अच्छी चीज़ों की मात्रा है, जो मिनरल्स हैं और जो अच्छे प्रोडक्ट हैं, और वो हमारे ब्लड में वापस चला जाता है और बाकी की चीज़ें जो हैं वो फिल्टर होकर के यहाँ आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर हमारा ब्लड फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जो है यूरिन बनता है, यूरिन इस मार्ग से होकर के ये इस एरिया को पेल्विस कहते हैं, कि इसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर से होकर के यहाँ पर ये ब्लडर में ये जमा हो जाता है। जब इसकी मात्रा 250-300 ml के करीब हो जाती है तो यूरिन का अर्ज होता है हमें, एक जिसे कहते हैं प्रेशर बनता है यूरिन करने का, और फिर ये यहाँ पे स्प्रिंटर खुल जाता है और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर आ जाता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है जिससे कि यूरिन फॉर्मेशन होता है और यूरिन हमारा इस रास्ते से बाहर आता है। अब दूसरा ये है, ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये गुर्दे में पथरी बन जाती है। अब जिसे बताया कि गुर्दे का काम है खून को फिल्टर करना, और जब कभी आप जो पानी पी रहे हैं उसमें मिनरल की मात्रा अधिक है, या तो आप पानी कम पी रहे हैं जिससे आपका जो यूरिन बन रहा है वो बहुत कंसंट्रेटेड बन रहा है, और कंसंट्रेटेड होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन्स फॉर्मेशन होते हैं, क्रिस्टल्स, स्टोन के क्रिस्टल पहले ये धीरे धीरे ये बन जाते हैं, ये क्रिस्टल धीरे धीरे बड़े होकर के स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं। तो ये है मुख्य जगह जिसे कहते हैं, ये माइनर कैलिक्स है, ये मेजर कैलिक्स है, ये पेल्विस है। तो ये है मुख्य जगह जहाँ पर हमारे गुर्दे के स्टोन होते हैं। उसके बाद यही स्टोन यहाँ से स्लिप होकर के पेल्विस में फंस सकता है, या तो यूरेटर में फंस सकता है, या तो ब्लैडर में आकर के यहाँ पर विकसित हो सकता है, या तो ब्लैडर में ही बन करके ब्लैडर में विकसित हो सकता है। तो इस तरह से ये स्टोन फॉर्मेशन होता है। किडनी में जो स्टोन बनते हैं रीनल स्टोन होते हैं कहते हैं, इसको यूरेट्रिक स्टोन कहते हैं, इसको ब्लैडर स्टोन कहते हैं। इस तरह से हमारे शरीर में स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है जो कि फिर काफ़ी ज़्यादा कष्टदायक होता है। अब ये स्टोन हमारे शरीर में कितने प्रकार के स्टोन होते हैं, एक होता है जो कैल्शियम स्टोन में क्या क्या मिनरल्स हो सकते हैं, एक होता है कैल्शियम हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, जैंथिन हो सकता है, सिस्टीन हो सकता है, फॉस्फेट। ये कुछ मिनरल्स है जिसकी अधिकता की स्थिति में गुर्दे की या गुर्दे की के रास्ते की जो हमारी पथरी बन सकती है। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोर हो सकता है, या यूरिक एसिड स्टोर बनता है। ये कारण है, ये अगर इनकी अधिकता अगर
हमारे यूरिन में ज़्यादा होती है, तो ये स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी उन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, स्टोन बनते रहते हैं, स्टोन निकलते रहते हैं, फिर बनते रहते हैं, फिर निकलते रहते हैं, इसी तरह जो है वो इनके शरीर में स्टोन समय समय पर बनते रहते हैं। अब एक बार स्टोन हो जाता है तो हमको कैसे पता चलता है कि ये जो दर्द पेट में हो रहा है वो स्टोन की वजह से है? एक खास चीज़ जान लेना जरूरी है, जो गुर्दे का पथरी का जो दर्द होता है बहुत सीवियर टाइप का पेन होता है, एक कंटिन्यूसली बना हुआ पेन रहता है। ज़्यादातर हम देखेंगे मरीज जो आता है वो दर्द की स्थिति उसकी इस तरह से रहती है, उसका हाथ इस तरह से जाता है, पीछे से दर्द आता है, आगे कमर की तरफ आता है और ये नीचे की तरफ जा सकता है, थाइस की तरफ जा सकता है। मेनली ये लोकेशन है इस मरीज का हाथ में, बेसिकली वो इस तरह से रखता है, इस तरह से। अगर आपको भी इस तरह का किसी मरीज को दर्द हो या किसी को इस तरह से दर्द होता है जो पीछे से आकर के आगे को जा रहा होता है, ऐसे दर्द हो सकता है, तो ज़्यादा चांस है कि वो गुर्दे की पथरी का दर्द है। इमिडिएटली आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, ये पता करें आपको गुर्दे की पथरी है कि नहीं। मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, आप उसमें आ जाते हैं कि आपको गुर्दे की पथरी है, अगर ये अगली स्टेज में होती है तो ये बोलते हैं कि कुछ क्रिस्टल्स हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज उसको डिफाइन करते हैं कि स्टोन है, सिंगल स्टोन है कि बहुत सारे मल्टीपल स्टोन हैं, एक ही गुर्दे में है कि दोनों गुर्दे में है, इस तरह से आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ जाती है। दूसरी चीज़ जानने वाले, अगर मान लीजिए स्टोन आपके यहाँ पर फंसा है पेल्विस में, तो ये गुर्दे के स्टोन के दर्द के साथ साथ एक जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है कि हमारा गुर्दा फूलने लगता है, क्योंकि यहाँ से पैसेज ठीक से नहीं हो रहा है, पार्शियली ब्लॉक है या कम्प्लीटली ब्लॉक है, तो हमारा गुर्दा जो है फैलने लगता है। इस स्थिति को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में आपको ये भी आ सकता है, मान लो यहाँ पर कहीं पथरी है और रास्ते में रुकावट आ रही है, तो ये भी आ सकता है कि गुर्दे में पथरी है, पथरी के साथ में हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब ये होता है गुर्दे आपके फैल गए हैं, इतना ज़्यादा बैक प्रेशर हो रहा है और ये लंबे समय तक फैलते रहेंगे, तो ये वाली जो लेयर है जहाँ पर नेफ्रॉन्स होते हैं, इनका क्षेत्रफल कम होता जाएगा, जो कॉर्टिकोमेडुलरी जो डिफरेंशिएशन है वो कम होता जाएगा। तो मान लीजिए हमको इतना एरिया चाहिए अच्छे नेफ्रॉन्स को रहने के लिए, तो ये जब और फैलता है तो ये पतला हो जाता है, इससे कि नेफ्रॉन्स पे दबाव पड़ता है और धीरे धीरे वो नेफ्रॉन्स को नुकसान होने लगता है और नेफ्रॉन्स धीरे धीरे डेड हो जाते हैं। और ये हो सकता है कि अगर पेशेंट को दोनों गुर्दे में इस तरह तकलीफ हो तो पेशेंट रीनल फेलियर के लिए की तरफ जा सकता है। इसलिए जब गुर्दे के स्टोन के बारे में पता चलता है तो हमें उसका कुछ ना कुछ इलाज ले लेना चाहिए। तो दर्द के बारे में मैंने बताया, दर्द इसी तरह से होता है, इसका दर्द कमर से पीछे से शुरू होता है और सामने की तरह होता है, साथ में आपको उल्टी आ सकती है, मिचली आ सकती है, इनडाइजेशन हो सकता है, पेशाब करने में जलन हो सकती है, पेशाब के रास्ते में दर्द हो सकता है, ये तरह पेशाब के रास्ते से खून आ सकता है, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं। अगर ये आते हैं तो उससे ज़्यादा ये है कि पेशेंट को रीनल स्टोन हो सकता है। मान लीजिए आपको एक बार रीनल स्टोन डायग्नोस हो गया, अगर तो स्टोन छोटे हैं, मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर से कम है या मान लीजिए 8 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर के स्टोन है, तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो वो आपका स्टोन अपने आप ही निकल जाएगा। क्या प्रिकॉशन में? आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर आपको फ्लूड लेना है, चाहे पानी लें चाहे जूसेस लें, फ्लूड लेना है, तो वो फ्लूड लेने से ज़्यादा यूरिन बनेगा, स्टोन पर प्रेशर आएगा, वो प्रेशर से उसको निकाल देगा। कुछ आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है जैसे सिस्टोन, नील स्टोन, जीर स्टोन और कई क्रश, इस तरह के आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं। होम्योपैथिक कुछ प्रिपरेशंस हैं जैसे बर्बेरिस, वेलगारिस, तो अगर वो सारी प्रिपरेशन अगर हम लेते हैं तो वो भी इन स्टोन को डिजोल्व करने में और स्टोन को एक्सट्रैक्ट करने में, बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है। तो अगर ये सब चीज़ें मेन एक इसका इलाज है, छोटे स्टोन है, तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर किसी में यूरिन जांच करते हैं और उसमें क्रिस्टल्स आते हैं कैल्शियम के, तो जो जिन पदार्थ में कैल्शियम होता है वो हमको कम लेना होता है। हमको विटामिन सी इसमें कम लेना होता है, क्योंकि कुछ तरह के गुर्दे के स्टोन वो विटामिन सी के अधिकता की वजह से भी होते हैं। अदरवाइज मेन है कि आप 3 से 4 लीटर फ्लूड, लगभग 9 से 12 ग्लास आप पानी रोज पियेंगे, तो 4 से ये पथरी आपकी निकल सकती है। मान लीजिए आपने बहुत ट्राई कर लिया और पथरी नहीं निकल रही है, तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा ये पथरी यहाँ से निकालने के लिए।
तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी होता है कि ये पथरी जो है वो कहाँ है, कितनी बड़ी है, उसका साइज है तो कितना है। तो सब बेसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होता है एक्सरे, डॉक्टर आपको लिखता है एक्सरे के यू बी, किडनी यूरेटर ब्लैडर। तो एक्सरे के यू बी करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप खाली पेट रहें, जिससे कि आपके पेट में कोई गैस ना हो, और या तो पेट साफ करने वाली दवा एक रात पहले लेके जाएं, जैसे टैबलेट गैसेक्स, दो गोली सुबह, दो गोली शाम, दो गोली रात में, टैबलेट डल्कोलेक्स लग्जेटिव है, ये दो गोली रात में ले लें, और सुबह आप खाली पेट खूब पानी पी करके, जिससे कि आपका ब्लैडर फुल हो, आप जाके एक्सरे के यूज कराएं। तो आपकी जो एक्सरे फिल्म आएगी, फिल्म में आपको सॉफ्ट ऑर्गन नहीं दिखेगा, आपको जो उसके अंदर स्टोन्स होंगे वो आपको गुर्दे वाले लेवल पर आपको इस तरह से स्टोन्स दिख जाएंगे, जिससे डॉक्टर ये पता कर सकता है कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, कितने स्टोन्स हैं, कितने बड़े स्टोन्स हैं, ये मेजरमेंट डॉक्टर के पास एक बार आ जाता है। फिर डॉक्टर वो डिसाइड कर लेते हैं, अगर तो छोटे स्टोन्स हैं तो उनको कंजर्वेटिव पे रखना है कि वो स्टोन अपने पानी पीने से निकल जाएंगे, नहीं होता है तो फिर हम पेशेंट को और विधियों के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि ये स्टोन को निकाल दिया जाए। बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, आप अगर इंटरवेंशन से पहले हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट के साथ यूरिया किडनी लेवल भी देखना चाहेंगे, गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम यूरिन की जांच करना चाहेंगे, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर सिस्टम डेम करना चाहेंगे, और साथ में एक जांच होती है जिसे कहते हैं आई वी, ज़्यादा देखेंगे डॉक्टर इंट्रावेनस पैलोग्राम, ये जाँच आपको लिख देता है आई वी पी। आई वी पी की जाँच में यहाँ पर एक कैनुला लगाते हैं, जिसके थ्रू हम डाई डालते हैं, यूरोग्राफिक डाई डालते हैं, वो डाई फिर हम उसके बाद कुछ अंतराल पे 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट और कभी कभी 24 घंटे से 72 घंटे तक वेट करना पड़ता है, जब तक यूरिन आपके नीचे ब्लैडर तक नहीं आता है तब तक कुछ अंतराल में फिल्म लेते रहते हैं। ज़्यादा समय में हम देखते हैं कि 20 से 25 मिनट में यूरिन नीचे आ जाता है, तो इससे हमको दोनों किडनी की फंक्शनिंग के बारे में भी पता चल जाता है कि किस रेशियो में, किस मात्रा में यूरिन बाहर आ रहा है। तो आपका जो डाई है वो आपको दिखेगा, डिफरेंट फील्ड में पूरी डाई दिखेगी नीचे आते हुए। अगर ये दोनों गुर्दे में प्रॉपर डाई दिख रही नीचे आते हुए, इसका मतलब दोनों गुर्दे आपके ठीक से काम कर रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ बीच में हमको स्टोन्स जो है वो भी आइसोलेट हो जाते हैं, ये कहाँ पर स्टोन्स हैं आपके। तो आई वी पी से गुर्दे की फंक्शनिंग कैसी है, स्टोन कहाँ पर है, माइनर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स में, या किस लेवल पर स्टोन है, वो हमको आई वी पी की जाँच से हमको पता चल जाता है। एक बार हमको पता चल जाता है कि स्टोन कहाँ पर है, तो फिर दो तीन तरह की विधियाँ जो अवेलेबल है हमारे पास, एक होता है लिथोट्रिप्सी, आपने नाम सुना होगा, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी से कहते हैं। ये एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसको मरीज को एक लिथोट्रिप्सी मशीन में लिटा देते हैं, और जो स्टोन को हम फ्लोरोस्कोपी के मशीन से एक्सरे के माध्यम से फोकस कर लेते हैं, वो स्क्रीन हमारा जो फोकस है वो हमारी स्क्रीन में दिखता रहता है, और नीचे से हम ये तरंगे छोड़ते हैं, शॉक वेव जिसे तोड़ते हैं, वो शॉक वेव जा करके गुर्दे के स्टोन को हिट करता है और उसको बहुत सैंड पार्टिकल चूरे में उसको तोड़ देता है, और जिससे कि वो पेशाब के रास्ते वो निकल जाता है। डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा इस प्रोसीजर के बाद, कुछ आपको दर्द की दवा देगा, कुछ एंटीबायोटिक देगा, कुछ पथरी निकालने की दवा देगा, और एडवाइस करेंगे कि जो आप पेशाब करें तो किसी छन्नी में करें, जिससे पता चल सके आपके स्टोन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, और वो स्टोन को जाँच के लिए भेज देते हैं, जिससे भी ये भी कन्फर्म कर लिया जाता है कि वो किस तरह के स्टोन इसमें पाए जाते हैं। तो ये एक तो प्रोसीजर है लिथोट्रिप्सी, तो कुछ तरह के स्टोन हैं जो कि लिथोट्रिप्सी के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, वहाँ पर उस तरह का प्रोसीजर हम नहीं कर सकते हैं। दूसरे फिर प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो हैं ऑपरेशन। तो सबसे पहले जो मिनमनी इन्वेजिव ऑपरेशन है उसे PCNL कहते हैं, परकोटोनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें क्या करते हैं, मरीज जैसे जिस साइड में पथरी है उस साइड में एक छोटा सा छेद करते हैं, और इस छेद को हम डायलेटर से डाल के हम इस छेद को, ये पूरे ट्रैक को हम डायलेट कर देते हैं, फिर इसके अंदर से नेफ्रोस्कोप डालते हैं,
और नफरस को डाल करके यहाँ पे इसमें ये चीरा दिया जाता है, फिर हम स्टोन तक पहुँच जाते हैं। अगर ये स्टोन ऐसे खींच के ऐसे बाहर आ जाता है तो हम उसको निकाल लेते हैं, नहीं तो उस नेफ्रोस्कोप से और जो इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम कुछ किरणें छोड़ते हैं जिससे कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाता है। फिर हम या तो इनको खींच के निकाल सकते हैं या तो फिर हम इनको छोड़ देते हैं जिससे कि ये पेशाब के रास्ते यहाँ से ये निकल आए। तो ये बहुत ही बारीक फॉर्म में हम इसको तोड़ देते हैं, सैंड पार्टिकल के फॉर्म में, और अगर नहीं तो हम इसको बड़े फॉर्म में तोड़ते हैं और इसी रास्ते से हम इसको निकाल लेते हैं। इसमें एक ही सिंगल छेद होता है और जिस साइड पत्थर उस साइड छेद करके हम इसको इस प्रोसीजर पीसीएल के प्रोसीजर से हम जो है वो गुर्दे की पत्थरी को निकाल देते हैं। अगला जो है वो ओपन सर्जरी होता है। ओपन सर्जरी में हम बाहर से जो है वो इंसीजन दे करके हम धीरे धीरे अंदर जा करके गुर्दे तक पहुंचते हैं। गुर्दे में हम यहाँ छेद करते हैं और फिर इंस्ट्रूमेंट डाल करके जो भी स्टोन अंदर रहता है वो इंस्ट्रूमेंट से हम इस स्टोन को खींच करके स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। ये ओपन प्रोसीजर है। इसके बाद हम एक छोटी नलकी डालते हैं, नलकी डाल के खूब फ्लशिंग कर देते हैं। जब पता चलता है अंदर कोई स्टोन साफ नहीं है तो इसको हम सील करके पूरे रास्ते को सील करके और हम ऐसे करके बाहर आ जाते हैं। ये प्रोसीजर हो जाता है जो ओपन प्रोसीजर है। एक प्रोसीजर और अवेलेबल है हमारे पास जो है, जो कि हम पेशाब के जो रास्ता होता है नीचे, यूरेथ्रा, तो मान लीजिए एक ज्यादातर ये किया जाता है कि अगर यूरेट्रिक स्टोन है, से यूआरएस कहते हैं, यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन, इसमें हम यहाँ से सिस्टोस्कोप डालते हैं, फिर हम अपना जो गाइड वायर है उसको यहाँ से डाल करके डोर में बास्केट बेसिकली होती है, फिर हम इसको पकड़ करके इस स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें कोई चीरा फाड़ी नहीं होती है, ये पेशाब के रास्ते ही निकल जाती है। पहले ये यूरेट्रिक स्टोन की होती थी पर अब ये गुर्दों की पथरी के लिए भी हमारे पास और अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो कि ऊपर तक जा करके ये गुर्दे की पथरी को भी निकाल करके बाहर ले आती है। तो हम वो जो है उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें ये रिमूव निकाल देते हैं। ये निकालने के बाद इसमें हम डीजे स्टैंड, जो डबल जे स्टैंड होता है, वो स्टैंड डाल के छोड़ देते हैं जिससे कि छोटे मोटे टुकड़े जो हैं वो आते रहेंगे। बाद में हम पेशेंट को कुछ समय बाद बुला करके इस डीजे स्टैंड को बाहर निकाल करके बाहर कर देते हैं। तो इस तरह से गुर्दे की पथरी का जो डिफरेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है कि गुर्दे की पथरी अगर हो जाए तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना है और उसके इलाज के लिए फाइनल उसके लिए हमें क्या क्या करना है। तो ये चीज़ हमारे पास ये अवेलेबल रहेगी। वैसे भी सामान्य रूप से जिनको पथरी नहीं भी रहती है, अधिकतर मात्रा में आप जो है वो पानी पिए, सुबह उठ के लगभग 3 गिलास पानी पिए, नहाने के बाद 1 गिलास पानी पिए, खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पिए और सोने से पहले आधा गिलास पानी पिए। इतना तो कम से कम पानी सभी लोगों को पीना चाहिए जिससे कि हम शरीर को हेल्दी रख सकते हैं और गुर्दे की पथरी होने से भी हम ये काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। अगर ये तो छोड़ देते हैं पथरी, तो ये पथरी अपने आप में लंबे समय तक रहती है, तो ये लंबे समय तक रहने से ये गुर्दों को ख़राब भी कर सकती है। इसलिए जब हमको पता चल जाता है तो हमको सही समय पर इसका इलाज करा लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ ये बांटिए। ये मैंने कॉमन मैन के लिए हिंदी में मैंने इसलिए बनाया जिससे ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को समझ आ सके और गुर्दे की पथरी अगर किसी को डायग्नोस होती है तो उसके लिए परेशान न होकर के इसका इलाज कर लें। थैंक यू वेरी मच।